दादरा डिवीजन अंतर्गत भागा रेलवे के जमीन पर अवैध सड़क निर्माण को लेकर जुड़ा पोखर एक नंबर के स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि कुछ माह पूर्व उक्त रेलवे की जमीन पर रेलवे के IW अधिकारी द्वारा अवैध इमामबाड़ा के बाउंड्री वॉल के निर्माण कार्य को रुकवा कर तोड़ दिया गया था। फिर उस जमीन पर विधायक फंड से 3,10,000 के प्रकलित राशि द्वारा कैसे PCC सड़क निर्माण कराया जा रहा है, जहां एक तरफ पाथर डी में अवैध कब्जाधारी पर रेलवे द्वारा बुलडोजर चलाया जा रहा है, वहीं जोरा पोखर एक नंबर कैसे विधायक निधि द्वारा सड़क निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। आने वाले समय में रेलवे कभी भी अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चलाकर सड़क को तोड़ दिया जाएगा, जिससे आम जनता का पैसा बर्बाद हो जाएगा। स्थानीय लोगों ने रेलवे के आगरा DRM से PCC सड़क निर्माण कार्य रुकवाने की मांग की है। प्रदर्शन करने वाले में मिट्टू खान, आसागर अंसारी, तनवीर आलम, हैरी सिंह, राज अंसारी, गोपाल भुइयां, अमित सिंह, असीम अंसारी आदि लोग उपस्थित थे। जब इस मामले में रेलवे भागा IW अधिकारी से दूरभाष पे संपर्क करना चाहा, तो कई बार फोन की घंटी बजी परंतु कोई जवाब नहीं मिला। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम तस्नीफ खान उर्फ मिट्ठू खान हुआ। मिट्ठू जी, ये कौन सा जगह है? ये जोड़ा पोखर रेलवे गेट है, गेट नंबर AM 33। आखिर आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों विरोध कर रहे हैं? मामला ये है कि आज से 6 महीने पहले इमामबाड़ा का बाउंड्री रेलवे द्वारा तोड़ा गया। बगल में बाएं साइड में आपका दुर्गा मंडा का बाउंड्री तोड़ा गया। ये मेरा कहना है, क्वेश्चन यही है कि रेलवे की जमीन पे सड़क निर्माण कैसे होगा? कल के डेट में अपना रेलवे अपना जमीन की अकुपाई करती है तो ये हमारा सरकार का पैसा, पब्लिक का पैसा नष्ट होगा, जो फिर लास्ट में हमारा रोड को तोड़ दिया जाएगा, उसमें पब्लिक का पैसा नष्ट होगा, और रेलवे के जमीन में परमिशन कैसे मिल सकता है? तो आखिर ये विधायक मत से जो है कि ये टेंडर दिया गया है, विधायक मत से ये टेंडरी की जो है कि डाक हुई है, उसके बाद विधायक क्यों नहीं है रेलवे से परमिशन ले पाई है? ये तो विधायक जाने, DRM जाने, दबंग ठेकेदारों को क्यों दिया जाता है? दबंग यहाँ के लड्डन खान है, लड्डन हटेला, वो अपने आप को दबंग दिखा करके रेलवे के हर जगह जमीन कब्जा करके बेचते हैं, खरीद बीच करते हैं, वहाँ पे जमीन बेचवाते हैं, और सबसे 10,000-20,000 लेके जमीन रेलवे की जमीन करते हैं। कुछ रेलवे के अधिकारी लोग भी मिले हुए हैं, IRW के अधिकारी लोग भी पैसा लेकर के जमीन बेचते हैं, खरीदते हैं लड्डन के द्वारा, और उसी को ठेकेदारी दिया गया रोड बनाने के लिए। तो आखिर ये जो अवैध तरीके से जो कब्जे करके रेलवे की जमीन की कालाबाजारी की जाती है, तो इसकी आपने कभी शिकायत की थी? हमने शिकायत किया, नागमनी साहब को किया, जोड़ा पोखर थाना को शिकायत इन्फॉर्म किया गया, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। तो ऐसे में जो है मनोबल बढ़ते गया है हमारे ठेकेदार द्वारा। तो ये रोड जो बन रहा है, इसे क्या आप खुश हैं या ना खुश? ना खुश है हमारी पब्लिक, हमारे लोकल भी विरोध कर रही है, इसका विरोध करना चाहती है, क्योंकि यहाँ पे क्यों रोड बनेगी, रेलवे की जमीन क्यों बनेगी? कल के डेट में रेलवे अकुपाई करती है तो ये सरकार का पैसा, पब्लिक का पैसा नष्ट होगी। तो क्या मांग करते हैं आप, कार्रवाई होनी चाहिए या काम रुकना चाहिए? काम रुकनी चाहिए, काम परमिशन रेलवे DRM से अनुरोध है कि इसका परमिशन ना दिया जाए।